Closing stock done, outstanding expenses done. Number three, treatment of prepaid expenses. Prepaid expenses ka matlab kya hota hai? Expenses paid in advance. Expenses paid in advance matlab current period mein aapne आगे की भी कुछ पेमेंट कर दी है, आगे की पेमेंट तो कर दी है, बट अक्रूअल बेसिस के हिसाब से वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, उस एक्सपेंस को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हो रहा है? उतना एक्सपेंस आप रिवर्स कर रहे हो, उतने एक्सपेंसेस आपके कम कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड। एग्जाम्पल करते हैं इसका, कोई एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसकी प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या गिवन है हमें? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020। ट्रायल बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है उसमें? सैलरीज। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ठीक है। सैलरीज गिवन है 70,000 और एडजस्टमेंट में बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल सैलरीज पेड रुपीज 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड। आउट ऑफ द टोटल सैलरीज पेड रुपीज 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड। 70,000 की सैलरी आप पे कर चुके हो, उसमें से 20,000 अगले पीरियड की है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। इस केस में, हमारे केस में क्या हो जाएगी? कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज। तो प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो जब ये एंट्री पास होती है तो प्रीपेड सैलरीज एक एसेट बढ़ गया, सैलरीज क्रेडिट हो रही है, सैलरीज में से 20,000 माइनस कर दो क्योंकि वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे इसको, ध्यान से देखना। ट्रेडिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है, सैलरीज है ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज कितनी पेड है? 70,000 टू सैलरीज 70,000 लेस प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज माइनस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि करेंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, 20,000 माइनस कर दिए, तो करेंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 50,000। तो 20,000 एक्सपेंस में से माइनस हो गया, और क्योंकि करेंट पीरियड का नहीं है, नेक्स्ट पीरियड का हमने एडवांस में दे रखा है, एक एसेट क्रिएट हो गया, एसेट का नाम प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज में कितना आ जाएगा? 20,000। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? एक बारी एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगी। कैलकुलेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन यही रहती है, एक्सपेंस में से माइनस कर दो और एसेट्स में दिखा दो। अगर यही कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे होते तो वहां से माइनस कर देते, लेकिन जो एसेट है वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। प्रीपेड डायरेक्ट एक्सपेंस हो या प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वेजेस भी तो प्रीपेड हो सकती है, तो वो ट्रेडिंग में वेजेस में से माइनस हो जाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट।
क्या था ये ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस.